तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल सूट की कटिंग कैसे की जाती है। और ये देखिए, ये सूट है और ये एक सूट पीस है। ये रही इसकी सलवार, सलवार पजामी प्लाजो पैंट जो भी बनाना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर से ही ये कपड़ा निकला है बॉटम के लिए। और ये देखिए, कुछ सेमी स्टिच है ये। और सेमी स्टिच किसको बोलते हैं, देखिए जो इस तरह से ये फ्रंट पोर्शन अलग और बैक पोर्शन अलग जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं सेमी स्टिच। ठीक है, तो ये कंधी से देखिए इस तरह से जुड़ा रहता है और इसको हमने ऐसे खोल लेना होता है। सबसे पहले चलिए इसका नाप जान लेते हैं, नाप क्या है। तो नाप है, लंबाई तो इसकी फुल रखेंगे क्योंकि इसके नीचे बनेगी पैंट, तो लंबाई फुल रखनी है जितनी भी आए, 42 43 44 जितनी भी आएगी। और 42 इंच इसकी ब्रेस्ट है। ये तैयार मैंने लूजिंग डाल के, 2.5 इंच की लूजिंग डाल के ये 42 किया है, 2 इंच की लूजिंग डाल के 35 किया है कमर, और हिप किया है 41.5, इसमें भी 2 इंच की लूजिंग मैंने डाली है। 17 इंच है बाजू यानी आस्तीन, 11 इंच है मोहरी, आर्म होल है 17 इंच, फ्रंट का गला है 7 इंच, बैक का गला है 6 इंच। ठीक है, तो इसमें लूजिंग डालकर मैंने ये पूरा नाप कंप्लीट किया हुआ है। नाप लेने के बाद देखिए, 2.5 इंच की लूजिंग ब्रेस्ट में डाली जाती है और कमर में 2 इंच की, हिप में 2 इंच की, 3 जगह हमने लूजिंग डालनी होती, बाकी नाप सब प्रॉपर रहता है। तो इसको रख देते हैं। सबसे पहले ये फ्रंट पोर्शन है। सबसे पहली बात है, जो सेमी स्टिच सूट आते हैं उनको हमने देखना होता है कि वह आड़े वर्क में है या सीधे में। तो देखिए, किनारी से पता लग जाता है, ये है किनारी, ये ऐसे में है यानी ये आड़े में प्रिंट हो रखा है, ये देखिए। तो आड़ी ही हमने बैक रखनी है, अगर आड़े में फ्रंट है तो आड़े में ही हमने बैक रखनी होती है। तो ये जो पेपर फ्यूज वगैरह होती है इसको निकाल लेना होता है इस तरह से। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, इस गले का बिल्कुल बीचों बीच सेंटर ये ऐसे लेना है इस तरह से, यहां से बराबर कर लेना है ताकि गला बिल्कुल ऐसे बराबर आए। और इसको हम पूरा सेट कर लेते हैं प्रेस से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको बिछा लिया है कुछ इस तरह से, बिल्कुल बराबर। ये मैंने यहाँ भी सेंटर ले लिया है। अब जब इसको रखते हैं, अब हमने बैक पोर्शन को भी आड़ा ही फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको प्रेस करके कुछ इस तरह से ही फोल्ड करना है। और ये फोल्ड कैसे करना होता है, अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है यानी ब्रेस्ट, या आपकी हिप ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने मार्जिन छोड़ के इसको फोल्ड करना है। तो ब्रेस्ट है 42 इंच, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है ये, उसके बाद 42 में 42 का चौथा ही हुआ 10.5, तो 10.5 ही रखेंगे। अगर इसका पल्ला थोड़ा हमने ज़्यादा रखना होता तो हम 0.5 इंच बढ़ा लेते, तो क्योंकि ये स्ट्रेट है तो हम जितना इसकी चेस्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे 10.5 पे ही इसको फोल्ड कर देंगे। 10.5 चौथाई था इसका 42 का, तो इसको पूरा बराबर यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हमने ये फ्रंट पोर्शन को बिछा लेना है, ये देखिए। बिल्कुल बराबर ये किनारी से किनारी मिली होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने ये बिछा लिया है।
अब हमने इस पे निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम कंधे पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे गले की डिपनेस देख लेते हैं। गला हमने रखना है 7 इंच, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसके हिसाब से हम इसको नीचे कर लेंगे, ये यहाँ से यानी बैक के हिसाब से। चलिए इसको पहले हम कट कर देते हैं ऊपर से, ये फालतू था। अब हमारा देखिए बैक के बराबर हो चुका है। तो सबसे पहले ये लंबाई का ऊपर से कंधे का निशान, उसके बाद 6.5 पे लगाया जाता है ये आर्मोल का निशान, और यहीं से नपती है ब्रेस्ट। उसके बाद 14.5 पे हमने लगाना है कमर का, क्योंकि मैंने जब नाप लिया तो 14.5 पे ही कमर का आ रहा था। आपका अगर 14 पे आए 14 पे लगाएं, 15 पे आए 15 पे लगाएं, और ये हिप का निशान लगाना है 21 इंच पे, जहाँ से चाक ओपन होते हैं। उसके बाद जितनी भी आप लंबाई रखें उतना निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं रखूँगा इसकी लंबाई बिल्कुल फुल, तो मैं इसका लंबाई का निशान नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल फुल ही रख दूंगा। ठीक है, अब ये निशान हमारे लग चुके हैं, इनको हम स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद हमने तीरा नापना है, तो देखना है हमने बैक का गला कितना है। तो बैक का गला है 6 इंच, और शोल्डर है इनका 16 इंच, हमने शोल्डर नापा था यानी तीरा। तो 6 इंच के हिसाब से हम कितना रखेंगे, 6 इंच के हिसाब से हमने देखिए बैक अगर 6 इंच डीप है तो यहाँ से हम रखेंगे 7 इंच, 1 इंच घटा लिया हमने। अगर यहाँ हमने 7 पे निशान लगाया तो यहाँ पे हमने 6.5 पे निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चेस्ट का निशान लगाना है, चौथाई 42 इंच है चेस्ट, तो चेस्ट का चौथाई हुआ 10.5, 10.5 पे निशान लगाया। उसके बाद कमर का निशान भी चौथाई लगाना है, 35 का चौथाई हुआ 9.25 इंच, 9.25 पे निशान लगाया। 41.5 का चौथाई हुआ 10.25 इंच, 1 सूत, ये निशान लगाया। उसके बाद यहाँ पर भी हमने 10.25 इंच, 1 सूत पे निशान लगाना है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट रखना है। अब ये निशान हमने सीधा कर लेना है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा। उसके बाद 1.25 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे या 1.5 इंच का, ये देखिए। ठीक है, अब ये निशान हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, सेब पट्टी से ऐसे और ऐसे, और ये गोलाई देंगे हम हाथ से इस तरह से। तो ये निशान तो यहाँ तक कंप्लीट हुए। अब ये जो आर्म होल है इसकी गोलाई हमने डालनी है, तो इन निशानों को हम मिला देंगे ऐसे, और इसकी गोलाई भी हम देखें इस तरह से ये डाल देंगे। अब ये देखिए यहाँ से लगभग 1.5 या 1.25 इंच पे ऐसे घुमाव देना होता है, ऐसे यहाँ से 1.5 इंच तक, और यहाँ से 1.5 इंच तक से यहाँ पे, और फिर यहाँ से लगभग 0.25 इंच से हमने ये गोलाई डालनी होती है। अब हमने इसका आर्म होल नापना है कितना है, 0.5 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ के ऐसे नापेंगे, आर्म होल है 17 इंच, तो ऐसे हमने इसका आइडिया लगाना है। तो यानी ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ी सी कंधी भी इसकी डाउन करनी है, और ब्रॉडनेस तो गले के अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए ये क्योंकि गला पहले से इसका बना हुआ है, और यहाँ पे हमारी सिलाई चलेगी तो ये यहाँ से ये पलटा जाएगा। तो ये सारे ही निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए शोल्डर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से मैं 0.75 इसको रख सकता था, मगर साइज थोड़ा हैवी है, तो अगर बैक का गला 6.5 इंच डीप होता तो ये यहाँ से लगभग 6.5 इंच में डीप, मतलब इसका तीरा रखता। अभी मैंने 7 रखा है, 7 × 2 = 14, फिर रखता मैं 13 यानी 6.5। अगर 7 इंच गला डीप होता तो फिर मैं रखता 6.25, 8 इंच डीप होता तो मैं रखता यहाँ से 6 इंच, अगर 9 इंच डीप होता तो मैं रखता 0.75 इंच यहाँ पे, यानी जितना गला बैक का डीप होता जाएगा वैसे ही शोल्डर हमारा ऐसे ये कम होता जाएगा, ऐसे ऐसे ये ऐसे। और जब यहाँ पे
ये ज़्यादा दूरी पे आ जाता है, यानी कि बैग का गला 10 इंच है, तो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ये यहाँ जैसे हमने 6 साढ़े 6 पे लगाया निशान, तो ये ऊपर होता जाता है ऐसे, यानी गोलाई फिर हम यहाँ पे देंगे इसकी। तो ये थोड़ा मेथड था ये, हालांकि मैं आगे वीडियो में आपको पूरा चार्ट बना के दे दूंगा कि कितने डीपनेस पे कितना आपको आर्म होल का निशान लगाना है, कितना ये तीरे का निशान लगाना है, वो सब आपको आने वाली वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी ये देख लीजिए, ये पूरे निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लगाना होता है कुटका छोटा सा, ठीक है। और ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जब हम चारों पल्लों को इस तरह से जोड़ेंगे, यानी बैक के साथ फ्रंट जोड़ेंगे, तो कुटके पे कुटका जब मिलेगा तो बिल्कुल बराबर आएगा। अब हम यहाँ से थोड़ी सी कंधी डाउन करते हैं, यहाँ पे कुटका लगाते हैं बीच का, एक कुटका लगाते हैं ब्रॉडनेस का यहाँ पे, और फिर हम इसको कुछ ऐसे उठाएंगे, देखिए ऐसे, और ये इसकी गोलाई फ्रंट वाले की हम कट करेंगे। ठीक है, अब मैं समझाता हूं बैक का, तो इसको ऐसे लपेट देते हैं। अभी फ्रंट की तो देखिए हमने कट कर दी है, और यहां से बैक की कैसे कट करनी है, यहां से हमने नापना है 1/2 इंच एक सूत, और इसकी गोलाई कुछ इस तरह से हमने डालनी है बैक में। ये देखिए, जो फूलने की प्रॉब्लम होती है, बैक में झोल पड़ता है या आगे झोल पड़ता है, वो समस्या इससे दूर हो जाएगी। तो बैक का हमने यहाँ पे कट करना है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। ये थोड़ा बढ़ा के कट करना होता है, और ये बढ़वा हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारी जो हैंड होती है, हमारे हाथ होते हैं, वो ऐसे आगे की तरफ को ऐसे पुश करते हैं, ना कि पीछे की तरफ को। तो पीछे का ये वाला हिस्सा जो होता है, ये खींचता है, तो इसलिए हम इसको बढ़वा रखते हैं। ब्लाउज में भी, सूट में भी, और हर ड्रेस में हम ये बढ़वा रखना होता है हमने। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी, बैक का गला कट कर लेते हैं। तो ये हमने कुटका लगा दिया था, यहाँ से 2 सूत छोड़ेंगे, यहाँ से 1/2 इंच, यानी ये हमारा 2 सूत ये चला जाएगा हमारा सिलाई में, जब हम फालस पट्टी लगाएंगे पीछे ओरेब वाली, और डिपनेस रख देंगे 6 इंच, तो 1/2 इंच ऊपर छोड़ के देखिए 5/4 पे मैं निशान लगाऊंगा, क्योंकि 2 सूत चला जाएगा सिलाई में जब हम इसमें ओरेब पट्टी लगाएंगे, और ये सीधा निशान ऐसे करेंगे, और ये ऐसे करेंगे। अब हमने इसकी गोलाई ऐसे डाल देनी है इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये सूट कट कर चुके हैं। अब कट करने के बाद हमने बराबर निशान लगाने हैं। तो ये है व्हील मार्कर, ये आपने रखना है अपने पास, ये आता है 20 रुपए का, तो इससे हम निशान लगाएंगे। ठीक इस निशान पे हम इसको चला देंगे। ये देखिए इस तरफ भी निशान आ जाते हैं, तो इस तरफ भी हम इस पे वैसे ही निशान उठा लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कारीगर जब बनाएगा तो उठा लेगा। अभी मैं इसको रख देता हूँ और बाजू कट करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो कपड़ा बचता है इस साइड में, इसकी आती है आस्तीन, तो इसको थोड़ा हम प्रेस कर लेते हैं पहले। तो इसकी बाजू हम लेंगे सीधे में, ये देखिए ऐसे, तो इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड करना है, और इसको आर्म होल के हिसाब से ही फोल्ड करना है ऐसे, कि कितना हमारा आर्म होल है, यानी मुड्ढा कितना है। तो
तो मुड्ढा है 17 इंच, 17 का आधा हुआ 8.5। तो कुछ इस तरह से क्रॉस करके हमने देख लेना है और यहाँ पे लगभग 1 सवा इंच मार्जिन देना है। तो ये पूरा अच्छे से फोल्ड हो चुका है और इस पर प्रेस कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड करना है हमने आस्तीन का, जितना भी आपका आर्म होल हो उसके अकॉर्डिंग ही इसको हमने फोल्ड करना होता है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से ऐसे सीधा करना है ये कट करके। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आस्तीन देखनी है कितनी है। तो आस्तीन है 17 इंच, तो ये निशान हमने 17.5 पे लगाना है, आधा इंच ऊपर ये मार्जिन लेना है यहाँ पे। तो 17.5 पे हमने निशान लगाया, उसके बाद इस निशान को हमने सीधा किया ऐसे, ठीक है। और मोरी है 11 इंच, तो 11 का आधा हुआ 5.5, 5.5 पे निशान लगाया। अब हमने यहाँ से ये 3.5 पे निशान लगाना है ऐसे, इसको भी सीधा कर लेना है। ये क्यों लगाया, ये हमने इतना छोड़ना होता है आस्तीन में और यहाँ से क्रॉस करना है इस तरह से, बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए। तो आर्म होल कितना था 17 इंच, 17 का आधा हुआ 8.5, तो 8.5 पे हमने ये निशान देखे ये लगा दिया। ये मैं पूरा बेसिक आपको समझा रहा हूँ। अब आपने इसकी गोलाई कैसे डालनी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब हमने यहाँ से सभी के साइज के लिए बता रहा हूँ लगभग 1.25 इंच नापना है, ठीक है। 1.25 से हमने देखिए इस तरह से 1.25 से ये एक निशान हमने ऐसे और खींचना है। अब ये इस तरह से कुछ हमने इसकी सेप डालनी है, इस निशान के आधा इधर इस तरह से, ठीक है। और ये अंदर वाली कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सेप देनी है। ये देनी है, ठीक है, लगभग 1/2 इंच या 1/2 इंच एक सूत का इसमें गैप रहेगा। अब ये सीधा निशान हमने लगाना है, तो ये थोड़ी सी हम सेप डाल देंगे सेप पट्टी से, ये देखिए। और यहाँ पे मार्जिन हमने लगभग वही 1 सवा इंच का लेना है। और ये यहाँ पे आगे ये फोल्ड करने के लिए मार्जिन आ गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कुटका लगाएंगे, और यहां से इसको ये शेप यहां तक हम देंगे, ये देखिए यहां पे छोटा सा कुटका लगाएंगे, यहां पे भी कुटका लगाएंगे 20 सेंटर का। और अब हम दो पल्ले उठाएंगे ऐसे, सभी में आपको ऐसे ही करना है जितनी भी आप बाजू कट करें, ये देखिए। अब यहाँ से ये सेप डाल लेती है, ठीक है। तो ये हमारी बाजू बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ही ये कट की जाती है स्लीव्स। ये यहाँ पे गैप जो होता है ये देखिए लगभग 1/2 इंच, 1/2 इंच एक सूत का ही होता है। और ये जो मैंने यहाँ से 3.5 पे नापा, ये आप 32 चेस्ट में 32, 34, 36, 38, 40, 42 तक भी आप 3.5 ही रख सकते हैं। 3.5 से थोड़ा सा अगर ज़्यादा कर देंगे तो फिटिंग और अच्छी इसकी आती है। 4.25 तक भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। बाकी जैसे कोट टाइप में, जैसे कोट की फिटिंग होती है उस टाइप में अगर कोई आपको सूट या कुर्ती बनानी है तो इसका गैप आप ज़्यादा ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन सूट ब्लाउज में इस तरह से ये चलेगा, कम से कम 3.5 इंच यहाँ से लेना ही है, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। ये देखिए इसमें ही फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो ये बाजू कट करने का बिल्कुल ये सिंपल सीधा तरीका है, इस तरह से आप कट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये पूरा ही सूट हमारा कट हो चुका है और बाकी जो ये कपड़ा बचता है इसके गले वगैरह पलटे जाते हैं। और स्टिचिंग तो मैंने आपको एक वीडियो में बता दी थी, स्टिच करने का वही तरीका है इसको सिलने का जो तरीका मैंने इस वाली वीडियो में बताया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से कटिंग समझ में आ गई होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।